नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के रावतसर तहसील के गांव न्योलकी में। यहाँ पे आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 48 से 50 घंटे से लगातार एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जहाँ पे आपको बता दें कि दो जो ट्यूबवेल के मिस्त्री थे जो कुएँ के अंदर दब गए थे, कुएँ के नीचे दब गए थे, उनको जो निकालने की जद्दोजहद लगातार जो है वो जारी है। 48 से 50 घंटे बीत जाने के बावजूद भी किसी तरह से अब तक प्रशासन को और ग्रामीणों को कोई कामयाबी हाथ अभी तक नहीं लगी है। हालांकि प्रशासन की ओर से और ग्रामीणों की ओर से सांझे तौर पे प्रयास जो है वो बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ट्रैक्टर दिखाना चाहूँगा, तो किसान जो है वो ट्रैक्टर अपने 50 ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर लगा रखे हैं, और जेसीबी की अगर बात करूँ तो दर्जनों की संख्या में जेसीबी जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। जेसीबी नीचे से मिट्टी खोद के ऊपर ले जाकर के ट्रैक्टरों को देती है, और ट्रैक्टर उस मिट्टी को आगे जो है लेवलर की सहायता से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही वो कुआं है, मैं कुएं की तरफ आपको थोड़ा नज़दीक जा करके दिखाना चाहूँगा। तो यही वो कुआं है जहाँ पे जो दो मिस्त्री है वो काम करते वक्त इस कुएं की मिट्टी धंसने से जो है वो नीचे दब गए थे, और उसके बाद लगातार जो है ये उनको बचाने का राहत कार्य जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कौन कौन पहुँचे हुए हैं। अगर बात करें तो आज से पहले, अब से कुछ समय पहले या रात के समय की बात करें तो SDM बताया जा रहे हैं कि SDM साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे, लेकिन अब जो हमने आकर के देखा तो यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि यहाँ पे SDRF की टीम जो है वो हमें ज़रूर यहाँ पे दिखाई दी है राहत कार्य को जो है वो सुचारू रूप से करने के लिए, और यहाँ पर तमाम सुविधाएँ जो एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, JCB लगी हुई है, और बड़ी जो क्रेन है वो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन अब तक जो है वो किसी तरह की कोई सफलता यहाँ पे नहीं मिल पाई है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो गाड़ी जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पे ज़रूर खड़ी हुई है, और अधिकारी इसमें है या नहीं है वो हम जा कर के देखेंगे। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पे आसपास के गांव के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर कितना बड़ा जो ये गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है, या कितना बड़ा गहरा खुदाई जो है वो की जा रही है, कितनी हो चुकी है, ये पूरी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो जिन किसान का ये खेत है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, मिलवाएंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या प्रशासन की ओर से पूरी मदद उनको मिल रही है या फिर प्रशासन खानापूर्ति कर रहा है। अब तक सूचना ये मिल रही है कि उपायुक्त महोदय जिला हनुमानगढ़, लगता है हनुमानगढ़ के उपायुक्त महोदय जो है वो अब तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, तो ऐसे में कब तक ये खुदाई हो पाएगी, चलिए जानते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। तो चलिए अभी पूरा वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उससे बाद जो है अब मैं आपको जिनका खेत है उनसे रूबरू करवाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे लंगर की सेवा जो है वो गांव के लोग गांव के लोगों के द्वारा एक सांझे तौर पे सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से यहाँ पे जो किसान यहाँ पे लगे हुए हैं ट्रैक्टर पे, या जो भी किसान यहाँ पे आ रहे हैं या मदद करने के लिए जिस भी तरह से कोई यहाँ पे आ रहा है, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था और चाय पानी की व्यवस्था गांव के सांझे सहयोग से जो है वो यहाँ पे की गई है। बहुत धन्यवाद करूँगा गाँव के तमाम लोगों का, और यहाँ पे आप देखिएगा तमाम किसान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो चलिए अब जिनके खेत में ये हादसा हुआ वो किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो बहुत गलत हुआ, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, प्रशासन ने टीम लगा रखी है, कितना सहमत आप प्रशासन की इस कार्रवाई से हैं? सहमत तो आज वो हो ही गए हैं 54 घंटा। अच्छा। और गांव वाले का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, पूरा कुआ बना हुआ था 80 फुट, वो 2 महीनों से काम चल रहा था, सारा कुआ फारिक हो गया। फारिक होने के बाद एक कड़िया बीच में कोई रुका हुआ, बिन खोलने के बाद वो मिस्त्री गए, वो 60 फुट पर जाकर वो कड़िया निकालने लगा, इतने बीच में से कुआ दिस गया। अच्छा। दिखने से ये हादसा हो गया।
अब तक 48 से 50 घंटे हो चुके हैं, अब तक जो है उनके पास नहीं जाया गया है, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया है, तो क्या लगता है आपको, काम ढीला चल रहा है या फिर कोई और दिक्कत आ रही है? नहीं, काम ज़्यादा है, काम तो चलो चल रहा है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया हो गया हमारे पास, 5.5 किलो ज़मीन है, उसमें तो माटी पड़ नहीं रही है, पड़ोसियों की ज़मीन के अंदर माटी पड़ रही है, इसके लिए वो टाइम लग रहा है और दूरी ज़्यादा हो गई। अच्छा, तो कोई नेता आपके पास अब तक आया है यहाँ पे? चलो नेता तो आए हुए तो है, यहाँ सारा ही आए हुए हैं नेता, तो अभिषेक जी आए हुए हैं, सचान जी आए हुए हैं, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है और चेयरमैन जी है, आ तो आ रहे हैं। अच्छा, ये जो खर्चा जो लग रहा है, जो तेल यहाँ पे लग रहा है ट्रैक्टर के अंदर, वो आपका लग रहा है या प्रशासन? वो प्रशासन का है कि या गांव का है, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है किसका चल रहा है। अच्छा, दिमाग भी ऐसा हो रहा है। गांव के कुछ और किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? 38 तो ड्रम गांव के बढ़ गए और गांव की शोक बहुत तकड़े, घर टंकी भर भर के ले हैं लोग, बहुत काम करी बैठे है, प्रशासन को भी बहुत तकड़ो काम है, सारो बहुत बढ़िया हुई है, चलन लाग रही है अभी। यानी कि प्रशासन जो को काम करने लाग रहे, संतुष्ट होते? हाँ संतुष्ट, हाँ करने लाग रहे हैं पूरा। अच्छा चलो, तो अब भाई साहब यह बताओ मैंने कि 48-50 घंटा हो गया, लेकिन अब तक जो है नज़दीक ही कौन लग पाया, तो कठिन कम ही कठिन नज़दीक न लगने का कारण एक और है सर, यहाँ दूसरी साइड से माटी हटा रहे थे, एकदम पास में गए, 5 फुट की दूरी रही थी उसे, तो दूसरी साइड से माटी खिसकना शुरू हो गई और माटी उसको हटाना जरूरी हो गया, क्योंकि दोबारा कोई हादसा नहीं हो जाए, इनको बचाने के लिए उसको माटी को हटाना जरूरी था, तो दूसरी साइड मशीन लाकर उस माटी को हटाना शुरू कर दिया, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जैसे उस साइड में टाइम लगा, उतना ही टाइम दोबारा रिपीट हो गया, उतना ही टाइम और लगेगा और वो हटने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी और उसके तुरंत पास जाना चाहते हैं तो वहाँ पर मुश्किलें बहुत ही, क्यों खड्डा बहुत गहराई है, 80 फुट तक खोदा हुआ है, लगभग 70 फुट तक पहुँच गए थे, 10 फुट की दूरी रही तो माटी खिसकना शुरू हो गई, उसके कारण उसको बीच में रोक दिया गया और दूसरी साइड से माटी हटाना शुरू कर दिया गया। माटी हटने में टाइम लगने का कारण है कि 3 किला दूर जाकर माटी डाली जा रही है, जिसके कारण टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब तक अधिकारी या नेता कौन कौन आए हैं? अधिकारी यहाँ पर प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, एसडीएम साहब भी है और पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है इसके अंदर, और दूसरी बात यहाँ पर अभिषेक जी मटोरिया भी सबसे पहले पहुँचे थे, उसके बाद चचाण जी राजेंद्र जी चचाण है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उसने यहाँ पर ठाट बंधाई, लोगों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही करवाएंगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से मशीन भी पहुँच गई, लेकिन मशीन पहुँचने के बाद तुरंत प्रभाव कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन समय लगना तो ये मजबूरी है सर। ठीक है भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि ये जो काम शुरू हुआ था वो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनके दिमाग से शुरू हुआ था, यहाँ किसी प्रकार की कोई टेक्निकल टीम है वो नहीं आई थी, ना ही कलेक्टर साहब आए थे, एसडीएम साहब ने इन स्थानीय लोगों को पूछ के और ये जो काम है ये शुरू करवाया था। इसमें अगर जो कोई मतलब टेक्निकल तौर या इंजीनियर से काम किया जाता तो वास्तविकता में काम है ये कल तक ख़त्म हो जाता सर, टाइम कब लगता। और एक दूसरी बात, ये जो मशीनें हैं उसमें भी बार बार रुकावटें आ रही थी, इनके ऑपरेटर्स है वो सिंगल है तो यहाँ 24 घंटे काम करना बहुत मुश्किल था, तो ये प्रशासन से हमारी ये शिकायत थी कि यहाँ एक तो एक्स्ट्रा आपातकाल के लिए यानी एक मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, जैसे रात एक मशीन में हुई थी, रात को वो 2 बजे के बाद लमसम 12 बजे वो दूसरी मशीन, वो सारा नौ श्रेष्ठ मशीन थी जो पावरफुल थी, वो रुकी, उसकी वजह से कम है तो 5-4 घंटे है वो ज़्यादा लगेंगे, तो प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो भी मशीनें लग रही है उनसे एक्स्ट्रा और बड़ी मशीनें और जल्दी से जल्दी कार्य करवाने की कोशिश करें। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहिबा जो है वो भी यहाँ पे पहुँची हुई थी लेकिन अभी नहीं है, जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचती हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या इस पे संज्ञान लिया जा रहा है, इतना समय आखिर क्यों लग रहा है। लेकिन एक अपडेट आपको बता दूँ कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे बहुत जल्द पहुँचने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो शाम 4:30 या 5 बजे तक जो 2 मिस्त्री जो कुएं के अंदर दबे हुए हैं उन तक पहुंचने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगर एहतियात की बात करें तो एहतियात के तौर पे जैसे ही उनको निकाला जाएगा तो एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस में प्राथमिक तौर पे ट्रीटमेंट दे करके आगे हॉस्पिटल तक जो है वो उनको पहुँचाया जाएगा। तमाम तरह की जो सुविधाएं जो है वो प्रशासन ने यहाँ पे दे रखी हैं। अगर बात करूँ तो ये मामला डीसी साहब के संज्ञान में भी पहुँचाया जा चुका है, ऐसा हमें जब यहाँ पे एक अधिकारी थी उनसे बातचीत हमने की थी तो उन्होंने बताया था। बाकी और बातें जो है वो एसडीएम साहिबा जैसे ही
यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर ग्रामीणों की बात करें और किसानों की बात करें तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो पूर्ण तौर पर इस जो बचाव जो कार्य चल रहा है, राहत कार्य चल रहा है, उससे संतुष्ट हैं। हालांकि समय ज़्यादा लग गया, उस समय ज़्यादा लगने का कारण इन्होंने यह बताया है कि शुरुआत में जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था ये बिना टेक्निक के किसानों के द्वारा खुद ही किया गया था, लेकिन उसके बाद जो टेक्नीशियन है या इंजीनियर्स जो हैं वो उसके बाद में पहुंचते हैं, तो जो किसानों ने काम किया था उसको दोबारा से शुरू से जो है वो उन इंजीनियर्स को करना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही उन दो दबे हुए मजदूरों मिस्त्रियों तक पहुँचने ही वाले थे, उतने में जो है ऊपर से मिट्टी जो है वो अपने आप से कटाव होकर के टीला जो मिट्टी का था वो नीचे और चला गया, जिसके कारण ये काम में 5 से 6 घंटे की देरी और ज़्यादा जो है वो जुड़ गई। इसके अलावा एक जो है मशीन जो पावरफुल थी वो मशीन ख़राब हो गई थी, और उसके बाद जो है ये लगातार समय जो है वो ज़्यादा लगता जा रहा है। तो ऐसे में किसानों ने प्रशासन से ये मांग भी की है कि एक अलग से एक्स्ट्रा मशीन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए ताकि राहत कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, और जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके उन दो दबे हुए मिस्त्रियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। खैर, आने वाले समय में पूरी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा कि आखिर कितना समय और लगेगा और कहां तक ये कार्रवाई जो है वो पहुंची है। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ, और इसके बाद एसडीएम साहिबा जो यहां पे आती हैं तो उनसे भी स्पेशल बातचीत मैं करके आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, प्रशासन कितना अलर्ट और ज़्यादा क्या क्या कार्रवाई इसमें किस तरह की जो एहतियात जो है आगे बढ़ते जाने हैं। तो लगातार पूरी अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा।